अपना सीखेंगे तो चैप्टर नंबर वन हमारे पास है, नंबर सिस्टम अगर अपन बात करें 10th का, और आज अपन सीखेंगे एचसीएफ बाय लॉन्ग डिविजन। एचसीएफ बाय व्हाट? लॉन्ग डिविजन। तो आराम समझिए, जब भी आपको कोई बोले 130, जैसे एग्जांपल आपकी बुक का ही पहला क्वेश्चन है कि आपको 135 और 225 का क्या निकालना है, एस, ठीक है ना? दो नंबर है हमारे पास, उनका निकालना है एससी। हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, जो हमारा बेसिक तरीका है उसको छोड़ के हम यहाँ पे डिवाइड करना शुरू करेंगे, तब तक जब तक रिमाइंडर जीरो ना हो जाए। तो हम देखते हैं 225 बड़ा नंबर है तो उसको अंदर लगती है, डिवाइड बाय कितना? 135। जितना मैं समझ रहा हूँ 135, वन सा कितना आ गया 135, तो यहाँ पे 135 क्या हो जाएगा? माइनस। बच कितना जाएगा रिमाइंडर? 90। कितना बच जाएगा? 90। अब तो चेन बनाएंगे, अब 90 को ऐसे अपन कर लेंगे डिविजर, यहाँ पे 90 को क्या ले लेंगे? डिविजर, और 135 को अंदर ले लेंगे, ठीक है? फिर डिवाइड करते हैं, तो 90 वनजा कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? 90। रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 45। अब से बताऊँ क्या करेंगे अपन, 45 को क्या ले लेंगे? डिविजर, और 90 को क्या ले लेंगे? अंदर। तो 45 टू जा कितना आ गया? 9। वाव सर, तो यहाँ पे अल्टीमेटली कहाँ पे आके क्वेश्चन रुका? 45। तो ये जो आखिरी वाला डिविजर है, जो रिमाइंडर कितना ले आया? जीरो। जो रिमाइंडर कितना ले आया आपके पास? जीरो। वो ही आपका क्या रहेगा? HCF। तो यहाँ पे आपका HCF कितना हो गया अगर अपन बात करें तो? 45। सर मजा नहीं आया, एक बार एक और क्वेश्चन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, फ्रेश क्वेश्चन। देखिए आपके पास है 38220, अगर मैं बात करूं तो आपके पास है 38220, एंड यहाँ पे आ जाएगा 196, आ जाएगा 196। शायद 196 टू जा कितना होता है? 382। 196 टू जा कितना होता है? 382। तो डिवाइड करना हो गया, इसको काट लेंगे तो ये पूरा कट के जीरो आ जाएगा। हम उतारेंगे कितना? टू। हाँ कि ना? क्या 2 196 से डिवाइड हो पाएगा क्या? नहीं। ऊपर कर लेंगे एक जीरो, फिर क्या ये जीरो भी उतार लें? क्या 2196 से डिवाइड हो पाएगा क्या? नहीं। फिर क्या ले लेंगे? ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब 20 बच गया, अब 20 को क्या बना लो? डिविजर, और अंदर क्या ले आओ? 196। शायद 29 जा कितना होता है? 180। 29 जा कितना होगा? 180। तो बच कितना जाएगा? 16। अब 16 को कोपते में ले आओ अंदर, डिवाइड किससे करेंगे? 20 से। 16 वनजा कितना होता है? 16। बच कितना गया? 4। 4 को अंदर ले आओ, अंदर क्या लेंगे अपन? 16। अंदर क्या लेंगे? 16। 4 4 जा कितना होता है? 16। तो सर ये क्रॉस क्रॉस कैंसिल हो गया। सर इन शॉर्ट आप क्या समझाना चाहते हो? समझाने की बात तो ये हो गई दोस्तों कि यहाँ का अगर अपन बात करें HCF कितना हो जाएगा आपके पास? 4। HCF कितना हो जाएगा आपके पास? 4, ठीक है क्या? अगर अपन बात करें तो सर, लेकिन अभी भी थोड़ा सा और दर्द है, तो एक बार और क्वेश्चन एक लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि HCF कैसे निकाला गया। तो अगर अपन ले क्वेश्चन क्या आपको दे रखा है? 255 और 867। 255 और 867। तो अपन नॉर्मल भाषा में 867 को क्या ले लेंगे? अंदर, ठीक है, और यहाँ पे क्या ले लेंगे? 255। शायद 255 टू जा या थ्री जा तक जा सकते हैं। 255 थ्री जा कितना होगा? 255 इंटू थ्री करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 765, विच विल सम और दी अदर वे हो जाएगा 102। रिमाइंडर बच गया, मजेदार नहीं। अब 102 को अंदर लेंगे, बाहर कितना आ जाएगा? 255। 102 टू जा कितना हो गया? 204। बच कितना गया? शायद 51। 51। आप 51 को अंदर लेंगे, यहाँ पे कितना जाएगा? 10। 51 टू जा कितना होता है? बस वाओ, अगर ये आ गया हमारे पास तो इनडायरेक्टली हमारा HCF कितना हो जाएगा? 51। सर कभी तीन नंबर आ गए थे, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, मेरे पास एक नंबर आ रहा है अगर अपन
बात करेंगे. वी हैव गॉट वन नंबर इज 540, द अदर नंबर इज 2400 और तीसरा नंबर हमारे पास आ रहा है लेट्स से 180, या अगर 180 नहीं लेते तो इसको 186 ले लेंगे. ठीक है, 186. तो सर अब इन तीन नंबर को कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे या क्या करेंगे? पहले आप कोई भी दो बड़े नंबर, पहले क्या ले लो, दो बड़े नंबर का HCF निकाल लो, या पहले कोई भी दो छोटे नंबर का क्या निकाल लो, HCF. ठीक है ना, तो वो जो HCF आएगा उसको डिवाइड किससे करेंगे, थर्ड नंबर. ठीक है, तो मैं सबसे पहले 540 और क्या ले रहा हूँ, 2400. तो सर अगर ऐसे में देखें तो अपन 2400 डिवाइड बाय, अगर आप 540 करना चाहते तो शायद 544 हो जाएगा 2160. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 240. कितना आ जाएगा, 240. अब अगर मैं 240 को अंदर लूं और अंदर कितना कर लूं, तो सर 240 टूजा होता है कितना, 480. कितना होता है, सही सही है तक. तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 60 को किससे करेंगे, 240 से. फोरजा यहाँ पे हमारी यिप्पी वाली स्टेप आ गई, वाओ, रिमाइंडर बिकम्स जीरो. रिमाइंडर बिकम्स व्हाट, जीरो. तो सर इन दोनों का एचसीएफ, इन दो नंबर का एचसीएफ कितना हो गया, 60. लेकिन अपने को दो का एचसीएफ चाहिए कि तीनों का एचसीएफ चाहिए, तो आप 60 से कहानी शुरू करेंगे. यहाँ हम लोग 186 को शुरू करेंगे, किससे करना, 60 से करना. तो अगर अपन बात करें तो 63 कितना हो गया, 180. रिमाइंडर कितना बच गया, 6. और फिर यहाँ पे अपन ने क्या ले लिया, 60. वाओ, आंसर 60. तो सर इन तीनों का जो मेन HCF हो गया, HCF ऑफ 540, 2400 एंड 186 इज 6. इज व्हाट, 6. तो ये समझ में आया, जब तीन नंबर कोई से भी आए, सर जैसे एग्जांपल अगर अपन बात करें तो ऐसे ही अगर मैं बात करना चाहूं तो मेरे पास एक नंबर है लेट से 72, एक नंबर है मेरे पास अगर अपन बात करें तो 180 या 196, फिर दूसरा नंबर है मेरे पास 216. इन तीनों का क्या निकालना, HCF. इन तीनों का क्या निकालना है, HCF. सर ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं, अगर आप अलाउ करो तो 192 ले लेते. ठीक है ना, चलो. तो सर आप क्या करो, मैंने बोला कोई भी पहले दो नंबर बड़े ले लो, कौन कौन से, 216 और 192. तो अगर कोई मुझसे बोलेगा 216 और 192 करो, तो वन सा माइनस कितना, 192. रिमाइंडर कितना बच गया, 4 और 10 में से 9 का कितना, 24 को डिवाइड करते हैं 192 से, हो रहा है क्या. अगर अपन बात करें तो 24 शायद 192 ही होता है शायद. वाह, तो सर इन दोनों का तो HCF कितना आ गया, 24. इन दोनों का HCF कितना आ गया, 24. अब इस 24 को डिवाइड कर दो किससे, 72 से. तो सर 24 को 72 से करेंगे तो हो जाएगा, वाह, पहली बार में हो गया. तो इसका मतलब इन तीनों का HCF कितना हो गया, 24. तो सर जब भी तीन नंबर रहेंगे तो यू विल टेक द टू बिगर नंबर्स फर्स्ट. ठीक है, उन दोनों का क्या निकाल लो, HCF. फिर जो उनका HCF आए उससे किसको डिवाइड करो, थर्ड नंबर. तो सर चल तो ये आपका डिवाइड डिवाइड गेम ही रहा है. मैंने बोला हाँ चल तो ये कोई डिवाइड डिवाइड गेम ही रहा है, कोई ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं. अब आती है थोड़ी सी वर्ड प्रॉब्लम वाला पार्ट. सर वर्ड प्रॉब्लम वाला पार्ट का मतलब आप चाहते क्या हो. मैंने बोला देखो यार, चाहता ये हूँ कि आपको NCERT का क्वेश्चन नंबर 2 ये बोलता है, शो दैट एनी पॉजिटिव, शो दैट अगर हम बात करें एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5. बस बोला है कि जब भी ये होंगे तो ये क्या निकलेंगे, ऑड. क्या निकलेंगे, ऑड. अभी देखो इसमें आपको अगर बहुत सिस्टमेटिक बात करूं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. आपने 6q+3
प्लस वन मतलब फॉर एनी क्या बोला है, इंटीजर, ठीक है ना, और पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कहां से शुरू होता है, वन टू थ्री। हमको कुछ नहीं करना, हमको पुट करके देखना है सिस्टमेटिक, पहले ये देखना है। तो सर अगर अपन देखें सिस्टमेटिकली तो 6q+1 में जब तुम 1 पुट करोगे, चेक कर लो, 6q+1 में जब तुम 1 पुट करोगे, 6 × 1 + 1 कितना है, या चाहो तो 2 भी पुट करके देख लो। अगर 2 पुट करके देखें, 6 × 1 + 1, क्यों भाई ऑड आना चाहिए, 6 × 2 + 1 is equal to कितना, 13 ऑड ही आ रहा है। अगर आप 6q+3 में यही चीजें पुट करके देखें तो कितना आ रहा है, बस p of 1 कितना है, 6 into कितना, अगर अपन बात करें 1 6 × 1 + कितना 3, तो ये तुम्हारे पास कितना गया 9। सर 2 पुट करके देखें, 6 × 2 + कितना 3, तो कितना आ रहा है 15। चाहे आप 6q+ कितना ले लो 5, 6q+ कितना ले लो आपका 5 भी ले लोगे, अगर आप कोई सा भी ले लोगे, तो अगर अपन बात करें अच्छे से तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, p of 1 कितना आ जाएगा, 6 × 1 + 5 that is equal to 11। अगर 2 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 × 2 + 5 is equal to कितना 17। मतलब सर ये चलेगा 7, 13, 10, 6 का टेबल चलेगा 19, चलेगा 9, 15, then 21 11, 27, then 23 and so on. फर्स्ट स्टेटमेंट बोलूंगा एनी इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय इवन नंबर, मल्टीप्लाइड by a even number, even number is always even, सही है कि कोई भी इंटीजर अगर even number से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, even। अगर आप 6 से 6 1s करोगे तो भी even, 6 2s करोगे तो भी even, 6 3s करोगे तो भी even, 4 1s करोगे तो भी even, 4 2s करोगे तो भी even, ठीक है ना, तो इसका मतलब even होगा। तो अगर आप at any time अगर अपन बात करें at any time 6q is always even, 6q is always even for any value of n, for any value of q, for any value of q, मतलब हम ऐसा बोल रहे हैं तुम q की दुनिया जहां की कोई सी वैल्यू रख लो, इंटीजर वैल्यू, चाहे चाहो तो पॉजिटिव रखो चाहे नेगेटिव रखो, 6 से जो भी मल्टीप्लाई होगा वो नंबर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इवन। मतलब 6 × 1, 6 × 2, 6 × −1, 6 × −2 कुछ भी पुट करो वो क्या रहेगा, इवन। बट एक और बात है जो कि हमारे जहन में है, अगर आप किसी भी इवन में ऑड प्लस करते हो तो इवन प्लस ऑड इज ऑलवेज ऑड, इवन प्लस ऑड इज ऑलवेज ऑड, कुछ भी करो ना, इवन कितना 6 ले लें या इवन ले लो 8, 8 + 1 कितना होता है, 8 + 5 कितना होता है 13। तो कोई भी इवन और ऑड को प्लस करोगे तो आंसर कितना आएगा, ऑड, सही है कि नहीं, ये बात आपको पता होना चाहिए, इवन प्लस ऑड इज ऑड, इवन प्लस इवन इज इवन, ऑड प्लस ऑड इज इवन, 5 + 3 कितना होता है 8, 7 + 5 कितना होता है 12, आया समझ में। तो अब आपने ये बोल दिया कि भाई 6q से हमेशा नंबर कौन सा आएगा, इवन आएगा। अब अगर आप इसमें 6q में भले 1 पुट करो या फिर इसमें क्या पुट करो, ऐड करो 3 ऐड करो या फिर 5 ऐड करो या फिर 7 ऐड करो या फिर 9 ऐड करो, कुछ भी ऐड करोगे क्योंकि 6q अपने आप में क्या है, इवन। 6q क्या है, इवन। तो इवन में कुछ भी ऑड प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, ऑड। देयरफॉर इंटीग्रल्स of the above form मतलब ये वाले form, of the above form will always be odd, always be odd for any value of, for any value of q, ठीक है क्या, अच्छा क्वेश्चन था। पहले सर आपने 1 2 1 2 1 2 पुट करके दिखाया, ये तो बड़ी बात होती नहीं,
ये तो हम भी कर लेंगे। हाँ, जो आपने ये लाइनें लिखवाई, क्या ये लाइनें को लिखने का वक्त मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा आपको। एक क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर थर्ड अगर मैं बात करूं तो सर, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है आपका? एन आर्मी कंटिंजेंट, एक आर्मी का कोई कंटिंजेंट है, उसमें 616 मेंबर्स हैं, टू मार्च बिहाइंड अ आर्मी ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। द टू मतलब एक ग्रुप में कितने मेंबर है? 616, और दूसरे में कितने? 32। द ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, व्हाट इज द मैक्सिमम? मैक्सिमम वर्ड आ जाए, लार्जेस्ट वर्ड आ जाए, ग्रेटेस्ट वर्ड आ जाए, ऐसे में निकालना ही क्या है? HCL। आप क्वेश्चन को बोलो हमको तेरे मीनिंग से तो मतलब है, लेकिन हमको नहीं बताओ तेरा मीनिंग, तो भी तूने मैक्सिमम वर्ड बोल दिया, मतलब क्या निकालना है? HCL। तो 616 हो गया या 32 हो गया, 616 हो गया या 32 हो गया, ऐसे केस में आपको इन दोनों क्या निकालना है? HCL, क्योंकि आपको बोला है एक आर्मी में कितने लोग है? 616, उसी आर्मी में कितने हैं? 32। वो बोले वो इस प्रकार से कितने कॉलम बनाए ताकि हर कॉलम में सेम लोग, ऐसा नहीं कि इस कॉलम में ज्यादा इस कॉलम में कम, हमको इनका निकालना पड़ेगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ताकि कॉमन हो पाए। क्या हो पाए? कॉमन। सही है यहाँ तक? अभी चलूं गेम को आगे बढ़ाऊं तो सर आप करना क्या चाहते हो? जितना मैं करना चाहता हूँ वो जाएगा 616 डिवाइड बाय व्हाट? 32। 616 डिवाइड बाय कितना? 32। तो सर ऐसे में अगर अपन बात करें तो ये 32 वन्स ही रहेगा पहले, तो बच कितना जाएगा सर? ये 29, और ये आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा? 6, 296। सही है तक? 6 करो ना, करो ना, ऐसे निकालो ना, क्यों नहीं निकालो, ऐसे निकालो, सीखो ना ऐसे। तो 32 इंटू कितना करें? शायद अगर मैं बोलूं तो शायद 8 जा करें क्या? 8 जा, तो 32 8 जा कितना होगा? 256 शायद, 256 होगा कितना होगा? 32 8 जा कि 9 जा तक चले जाएं? अगर 9 जा चले जाएंगे तो 256 ना, तो 9 जा भी जा सकते हैं। 9 जा कितना होगा? 270 288, तो कितना जाएगा? 2। तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा हमारे पास? 8। ओहो, 8 को किससे डिवाइड करेंगे? 32 से। हाँ कि ना, हो गया क्या? तो इसका मतलब इसका HCF कितना हो गया? 8। मेरे को तो ये तरीका उल्टा कभी कोई ज्यादा अच्छा लग रहा है कि ऐसे में HCF डिवाइड डिवाइड करते करते अपने आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 8। कितना हो गया? 8। आपको एक क्वेश्चन बोला है, शो यूजिंग यूक्लिड डिविजन लेमा, शो डेट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। उन्हें बोला है कि कोई भी स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव, स्क्वायर ऑफ एनी, क्या बोला? स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और what? 3m plus 1 for some integer m, मतलब आप m की कोई भी वैल्यू ले सकते। पहली बात तो पता नहीं क्यों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप मुझे अलाउ करें तो मेरे पास पहला पॉजिटिव इंटीजर होता है 1, क्या होता है? तो क्या मैं 1 के स्क्वायर को 3m या 3m plus 1 के ले सकता हूं? When m can take any value, m की आप कोई वैल्यू रख सकते हो, हाँ कि ना? तो क्या मैं 1 के स्क्वायर को ले सकता हूँ? 3 into 0 plus 1 कितना हुआ? 1, हाँ कि ना? तो ये हो गया ना 3m plus 1, हाँ कि ना? अच्छा 2 का स्क्वायर कितना होता? 4। क्या आप इसको लिख सकते हो क्या? 3 into 1 plus 1, हाँ कि ना? वाओ, अगेन ये क्या हो गया? 3m प्लस कितना? 1। अच्छा 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। इसको क्या आप ले सकते हो? 3 into 3, मतलब ये किस फॉर्म का हो गया? 3m। वो बोल रहे हैं कि जब स्क्वायर कोई भी फॉर्म होता है, मतलब कोई स्क्वायर नंबर होगा, तो या तो वो 3m में होगा या तो क्या होगा? 3m प्लस 1। मैंने बोला चेक करते हैं, अगर और आगे चेक करो तो बताओ 4 का स्क्वायर कितना होता है? इसको लिख सकते हो क्या? 3 into 5 plus 1, 3 into 5 plus 1 कितना हुआ?
तो ये कितना हो गया 3n+1, 3n+ कितना 1। सर अगर हम आपसे पूछें 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, कितना हो गया 3 × 8+1, हाँ कि ना, 3 × 8+1 सही है, 3 × 24+1 और ये आंसर है 3n+1 के। अच्छा 6 का स्क्वायर कितना होगा, क्या इसको ले सकते हो 3 × 12, मतलब ये किस फॉर्म का हो गया 3m। बस क्वेश्चन वाले यही बोल रहे हैं कि क्या आप प्रूफ कर सकते हो कि किसी भी नंबर का स्क्वायर 3m और 3n+1 के फॉर्म में होगा, तो हमने बोला हाँ 3m और 3n+1 के फॉर्म में होगा, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, अगर इनका अगर अपन देखें भी तो कोई भी 3 से डिवाइड होने वाला नंबर क्या बन सकता है, देखो या तो वो 3q बनेगा, या तो वो 3q+1 बनेगा। सुनो भाई एग्जांपल, मैं तुमको एग्जांपल लेता हूँ, 6 को क्या लिख सकते हो 3q, 7 को क्या लिख सकते हो 3q+1, 8 को क्या लिख सकते हो 3q+2, हाँ कि ना, फिर जो 9 आएगा उसको क्या लिख सकते हो, अरे 3q लिख दो ना, 3 × 3, हाँ कि ना, 3 × 3 सही है यहाँ तक, हाँ कि ना, फिर 10 को क्या लिख सकते हो 3 × 3+1, 11 को क्या लिख सकते हो 3 × 3+12 को, तो सर कोई भी 3 से डिवाइड होने वाला नंबर, कोई भी 3 से डिवाइड होने वाला नंबर या तो 3q का होगा, या 3q+1 का होगा, या 3q+2 का होता है, जिसमें 3q+2 में कभी भी स्क्वायर नहीं आ रहा है। कोई स्क्वायर आ रहा है किसी नंबर का नहीं, क्या ये स्क्वायर आ रहा है किसी नंबर का नहीं, आया समझ में, क्या 3q में स्क्वायर आ रहा था 9, हाँ कि ना, क्या 3q+1 में अगर अपन बात करें तो 4 नाम का स्क्वायर आ जाएगा, हाँ बोलो, कोई डाउट तो नहीं आता इसमें, सिर्फ आपको ये प्रूफ करके बताना, ठीक है क्या, चलें, चलो अब आपके पास लास्ट क्वेश्चन है, आपको बोल के रखा है शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1, 9m+8। तो पहले एक बात ध्यान रखना, अपन पहले तो अगर मैं बात करूं, इन्होंने क्या ऑप्शन दिए, 9m+1 और 9m+8। पहले थोड़े से एग्जांपल टेस्ट कर लेते हैं, बता 1 का क्यूब कितना होगा, क्या मैं उसको 9 × 0+1 लिख सकता हूँ क्या, हाँ कि ना। अच्छा 2 का क्यूब कितना होता है 8, क्या मैं उसको 9 × 0+8 लिख सकता हूँ क्या। अच्छा 3 का क्यूब कितना होता है 27, क्या मैं उसको 9 × 3 लिख सकता हूँ क्या। अच्छा 4 का क्यूब क्या होता है 64, क्या मैं उसको 9 × 7+1 लिख सकता हूँ, हाँ कि ना। अच्छा 5 का क्यूब कितना होगा 125, अगर मैं तुमसे थोड़ी सी बात करूं तो क्या अपन 125 को कितना 9 × 13+8 लिख सकते हो, चेक करो 9 × 13 कितना था 117+8, हाँ कि ना, अरे चेक कर लो पक्का। तो क्या कोई भी क्यूब, चाहे वो 1 का क्यूब हो, 2 का क्यूब हो, 3 का क्यूब हो, 4 का क्यूब हो, 5 का क्यूब हो, क्या वो इसी फॉर्म में लिखवाया जा रहा है, हाँ ठीक है ना। अब इसका प्रूफ भी करेंगे, पहले यहां तक लिखो फिर आगे देखो ध्यान से, जो यूक्लिड साहब ने कोई डिविजन का जो अपने ट्रिक बताई थी, तो कोई गंदी ट्रिक के मतलब ये जो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इनका सब फालतू में नाम हो गया। ये लोग बोल रहे थे कि भाई इन्होंने बताया कि डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिविजर इनटू क्वोशेंट, डिविजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। हमने बोला धक तेरी की, ये तो हमको बचपन से पता है, आप क्या बता रहे हो आज टेंथ में आके, मतलब डिविडेंड को हमेशा क्या मानो, एक प्रकार से ए इज इक्वल टू जो आपका डिविजर है उसको मानो आप बी, और यहाँ पे क्यू क्वेश्चन मतलब क्या क्यू प्लस आर। तो नाउ दिस इज ऑलवेज नोन एज यूक्लिड डिविजन लेमा, यूक्लिड
डिविजन लेमा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे उन्होंने बोला, इसमें एक और चीज आपको समझनी थी जो 3m प्लस वाला क्वेश्चन था, उन्होंने बोला स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर या तो 3m की फॉर्म का आएगा या 3m प्लस 1 की फॉर्म का आएगा। उन्होंने बोला यूक्लिड डिवीजन को प्रूफ करो। हम ना देखो भी कोई भी इंटीजर क्या है, a, कोई भी इंटीजर क्या है a। तो अगर अपन इस वाली इक्वेशन में बहुत सिस्टमेटिक अगर लेके चले इसके हिसाब से, ठीक है, तो इनका क्वेश्चन क्या है कि भैया ए स्क्वायर, अगर हम बोलूं a इज इक्वल टू, ये बोल रहे हैं यहाँ तो क्या रहेगा 3m, किसी भी फॉर्म का स्क्वायर, मतलब अगर a स्क्वायर होगा तो क्या होगा, या तो 3m का स्क्वायर या फिर आप a स्क्वायर को लिख सकते हो 3m प्लस 1 का स्क्वायर, 3m प्लस 1 का स्क्वायर। तो क्या ये इस फॉर्मेट में क्वेश्चन बन भी रहा है, तो चेक करें। अगर अपन बात करें तो यहाँ पे a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9m स्क्वायर, a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 9m स्क्वायर। जहां पे अगर अपन इसको बोले तो क्या मैं इसको इतना लिख सकता हूँ क्या कि ये कितना हो गया तुम्हारे पास 3 इंटू तुम्हारे पास कितना, अगर अपन बात करें तो कितना हो गया तुम्हारे पास 3m स्क्वायर, हाँ कि ना, 3 इंटू तुम्हारे पास कितना हो गया 3, यहाँ आप इसको ऐसा ले लो इस फॉर्म में अगर अपन बात करें तो 3m इंटू कितना 3m, 3m इंटू कितना 3m। तो यहाँ पे जो तुम्हारा m की वैल्यू ली, इसने ले ली तुम्हारे पास, अगर मैं तुमको बात करूं ये जो पूरा पार्ट ये हो गया, ये तुम्हारे पास क्या हो गया q, क्या हो गया तुम्हारे पास, जो आपको 3q के फॉर्म का था, चिंता मत करो। अभी और समझते, अगर मैं इस वाले पार्ट को लिखूं a स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या खुलेगा मतलब अपने किस फॉर्म में बताना है 3m प्लस 1, हाँ कि ना, चले तो अगर 3m प्लस 1 के फॉर्म में करोगे या इसको आप 3q ले लो, बाद में आप m q निकालना इजी हो, इसको भी क्या ले लो q, तो आपको ये ज्यादा अच्छा लगेगा कि आपने इसको क्या पुट कर दिया, ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना 9 q स्क्वायर, और आप इसको लिख दो 3 इंटू कितना 3 q स्क्वायर। यहाँ पे आपने m ने किसकी वैल्यू बना ली, m की जगह आपकी वैल्यू किसकी आ गई 3 स्क्वायर, हुआ तो 3m के फॉर्म का ही। अगर आप यूक्लिड में बहुत सारा लॉजिक ढूंढना चाहते हो तो लॉजिक कुछ भी नहीं, सिर्फ ऐसा लिख के इसको खत्म करना है, ठीक है ना, मतलब इसमें आप टेंशन मत लेना कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो तुम्हारे पास ये a है और ये क्या है बी, करें तो यहाँ पे तुम्हारे पास ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू कितना ए इंटू बी, सही है था? तो मुझे बता ये क्या हो गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 क्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 क्यू, ठीक है। लेकिन मुझे तो कैसे भी करके इसको किस फॉर्म में लाना है 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 के, भले m की वैल्यू कुछ भी हो जाए। तो मैंने बोला चलो ठीक है, देखते हैं इसको अपन कैसे लाते हैं, थोड़ा तोड़ने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं 3 और इसको किसको कॉमन ले लूं, अगर आप बताओ इन दोनों में से क्या कॉमन ले लूं, 3 और q क्या कॉमन ले लूं 3 और, तो ब्रैकेट में कितना आ जाएगा बताओ 3q टू, और आखिरी में कितना बच जाएगा ये प्लस 1। क्या ये चीज क्लियर हुई क्या? सर आपने कुछ नहीं करा, मैंने फर्स्ट और थर्ड में से, फर्स्ट और थर्ड में से क्या कॉमन ले लिया 3q, 3 क्या ले लिया q, तो यहां से कितना बच गया 3q और यहां से कितना बच गया 1। अब इनके हिसाब से कैसे 9 और 6, 9 और 6 में 6 कैसे कॉमन ले, दोनों 3 के टेबल में आते हैं ना, इसका मतलब याला पार्ट आपका क्या हो गया m, क्या हो गया m, तो देख ले ये प्रूफ हो गया 3m प्लस 1। क्लियर बोल के रखा था वेयर m इज एनी इंटीजर। एक बात देखना, अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा में आप लॉजिक चाहते हो तो लॉजिक तो नहीं है उसके, बट स्टिल पहले मैं आपको ये n क्यूब वाला भी करा दूं। नॉर्मली अगर कोई भी नंबर, पहले आप n क्यूब वाला कराता हूं फिर आपके डाउट भी लेता हूं। आपको क्या बोला है क्यूब ऑफ एनी नेचुरल नंबर, क्या बोल के रखा है क्यूब ऑफ एनी नेचुरल नंबर, या एनी क्या बोला है एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी व्हाट पॉजिटिव इंटीजर वुड बी ऑफ द फॉर्म, अगर अपन बात करें 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, तो 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8। तो मैंने बोला यार देखो पहला केस लेते हैं कि कोई भी नंबर का, अगर मैं बात करूं कि
इन्होंने क्या बोल के रखा है कि Q, ठीक है ना। तो अगर अपन लेके चले तो X को इन्होंने यहाँ पे लिया कि X आप ले लो कोई भी क्या पॉजिटिव इंटीजर, क्या ले लो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, जिसमें कि अगर अपन लेके चले यहाँ पे सब जगह कितना है 9m 9m 9m, तो अपन इसको क्या बोल रहे हैं एक्स भी यानी पॉजिटिव इंटीजर, जिसको अपन ने ऐसे ही लिया कि एक्स या तो क्या रहेगा 3q, या तो एक्स रहेगा 3q+1, या तो एक्स रहेगा 3q+2। क्या 3q+3 हो सकता है क्या? द आंसर इज नो, क्योंकि अगर 3q है तो 3q+3 करोगे तो ऑटोमेटिकली वो 3 से क्या हो जाएगा डिवाइड। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि अगर यहाँ पे अगर अपन आप ये पुट करोगे, देखो तुम यहाँ पे क्या पुट करा है 3q+1, फिर क्या तुमको बोल के रखा है 3q+2, तो 3q+3 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वापस से क्या हो जाएगा 3q, वापस से क्या हो जाएगा आपके पास 3q। तो अगर अपन इसका क्यूब निकाल के देखें पहले इस केस में, तो आप थोड़ा साथ दीजिएगा मुझे कि इस केस में अगर अपन क्यूब निकाल के देखें तो आप कहाँ जा रहे बताओ, एक्स का क्यूब कितना हो जाएगा 3q का होल क्यूब, एक्स क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 27 क्यू क्यूब, जहां पे अगर आप अलाउ करो तो मैं इसको ले सकता हूँ 9 into 3q क्यूब, मतलब ये क्या हो गया मेरा m, उन्होंने खुद ने बोला 9m के फॉर्म का चाहिए। हाँ कि ना सर, एक बार और समझाओ ना, अगर यहाँ पे निकाले एक्स क्यूब तो बताओ यहाँ पे अगर एक्स क्यूब निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा 3q+1 का होल क्यूब, बता क्या एंटिटी खुलेगी a³ + b³ + 3a² भी है ना 3a² b, अगर अपन बात करिए 3ab कर ले क्या ऐसा कर ले 3ab ब्रैकेट में a+b, ऐसी एंटिटी होती है a³ + b³ + 3ab + a+b, बताओ ये खुल क्या रहा है अगर आप लोग अलाउ। सर देखो यार, अगर हम लोग आपसे बात करें सिस्टमेटिकली तो कहीं ना कहीं ये खुल रहा है x³ = 9q³ + 1 + 9q, ब्रैकेट में कितना 3q+1, सही है यहाँ तक? क्या फर्स्ट और थर्ड में से कुछ कॉमन ले सकता हूँ 9 और q, ऐसे हो जाएगा तेरा काम, देखना 9q ले लिया तो यहाँ पे ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 9 और q कॉमन ले, ब्रैकेट में कितना आ जाएगा q² + 3q+1, क्योंकि यहाँ से 9q कॉमन ले लिया था 9, इसमें समझ में, ये 9q³ और ये 9q, तो यहाँ से आपने क्या ले लिया 9q कॉमन, ये क्या हो गया इसमें q² और इसमें कितना आ गया 3q+1 और ये +1। देखो ये पूरे हिस्से को 27 यहाँ पे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 27q³। अब अगर इसमें से तुम 9q कॉमन ले लोगे, क्या ले लोगे 9q कॉमन ले लोगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3q² कितना हो जाएगा 3q। मैं तो सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि इतना हिस्से को आप m बोल सकते हो, ये कितना हो गया 9m+1। अभी सर मजा नहीं आया, पूरा क्लियर नहीं हो रहा। तीसरा वाला अपन ने क्या करा, x को क्या लिख रखा है बताओ 3q+2। एक बार इसको साथ में करके देखते हैं फिर और बात करते हैं। अगर मैं तुमसे बोल रहा हूँ x = 3q+2, तो एक्स का क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाए 3q+2 का होल क्यूब, बताओ क्या क्लियर a³ + b³ + 3 × 3q × 2, ब्रैकेट में कितना 3q+2, ब्रैकेट में कितना 3q+2, सही क्या यहाँ तक? अब सर अगर आपसे बात करें तो बता 3q का होल क्यूब कितना खुलेगा 27q³, 2 का क्यूब कितना खुलेगा 8, ये कितना खुलेगा 9q into 2 into 3q+2, क्या इस फर्स्ट में से और लास्ट में से कुछ कॉमन ले सकते हो क्या?
क्या नाइन क्यू कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में कितना बचेगा, थ्री क्यू स्क्वायर प्लस नाइन क्यू कॉमन ले लिया तो बचा कितना, टू इंटू ब्रैकेट में कितना थ्री क्यू प्लस टू और प्लस कितना आ जाएगा एट। क्या ये 9m प्लस 8 के फॉर्म का बन गया कि सर आपने इस पूरे को क्या ले लिया m, इस पूरे को क्या ले लिया m, ठीक है।